हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे गेमिंग चैनल में जिसका नाम है गेमिंग विद गेमर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें मैं खेलने वाला हूँ शोलर स्मैश गेम। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा गेम का लोगो और आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं कौन सा गेम खेलने वाला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको सामने दिख रही होगी एक पृथ्वी और एक सन, पर मैं आज पृथ्वी को यानी इस पृथ्वी अपने अर्थ है उसे स्मैश करने वाला हूँ यानी नष्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और देख सकते हैं आप वीडियो स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे मैंने स्मैश करना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत छोटा यानी पृथ्वी को नुकसान पहुँचा रहा है, कल के नष्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे मर रहे हैं, 7 बिलियन से भी ज़्यादा लोग थे और यहाँ पर 478 मिलियन लोग मर चुके हैं। आप नीचे देख सकते हैं नीचे रेड बन के आ रहा है। ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मैंने आइस गन चला रहा हूँ यहाँ पर और पृथ्वी को जमाने पर लगा हुआ हूँ और यहाँ पर लोग जम रहे हैं। और ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने बड़ा कर दिया है। यहाँ पे साइड में आपको भारत दिख रहा हो, चलिए इसे भी ही जमा देते हैं अपने आइस गन से। तो मैंने यहाँ पे आइस गन से इस इलाके को यानी जो अपना भारत है उसे भी जमा दिया है। और अब देखते हैं और क्या फंक्शन है इसमें कि क्या क्या दे रखे हैं हथियार, जो ये अब दे सकते हैं। ये एक सुरक्षा कवच है, जो ये आपको दिख रही शिप है ये आ रही है, लॉन्च की है मैंने। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो पहले मैंने नहीं लगाई पर अब लगा देता हूँ। तो ये कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी मैं ऐसे यानी जो अपना अर्थ है उसे स्मैश करने वाला हूँ यानी नष्ट करने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, देखिएगा कि कैसे ये अपनी जो पृथ्वी है अगर कोई आक्रमण होता है अंतरिक्ष से ये किसी एलियन का कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े हथियार यहाँ पर चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना गोश्त, यानी कि आप साइड में आपको नीचे दिख रहा होगा कि एक गोश्त गोश्त का रहा है, एक स्नेक का रहा है और एक ऑक्टोपस टाइप कुछ है। तो मैंने यहाँ पे गोश्त को आपको दिखा दिया है। तो अब चलते हैं एक जो ऑक्टोपस वाला है इसे दिखाते हैं कि किस तरीके से ये नष्ट कर रहा है। अरे वाह भाई वाह, आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो पृथ्वी है उसमें इन्होंने एक टुकड़ा तोड़ लिया, इसने एक टुकड़ा तोड़ लिया उसे खा रहा ले गया एक छोटे से टुकड़े को इन्होंने आक्रमण। वैसे तो पृथ्वी बहुत बड़ी है तो यानी बहुत बड़ा टुकड़ा है, तो अब छोटा सा उन्होंने एक हिस्सा निकाल कर गायब करके खा के चला गया है वो ऑक्टोपस। तो अब देखते हैं ये सबसे ऊपर वाला यानी स्नैक वाला ये क्या करता है। तो इसका मैंने जो है मैंने सुरक्षा कवच पर देखते हैं पहले ये क्या तोड़ पाता है इस सुरक्षा कवच को। पर यहाँ पे ये तिरछा स्नैक के तरह लहराते हुए मुझे नहीं लगता ये तोड़ पाएगा। अरे नहीं तोड़ पाया ये, इसको नहीं तोड़ पाया। तो ये साइड से आक्रमण कर रहा है। अरे वाह भाई, इन्होंने साइड से इन्होंने दिमाग लगा कर साइड से किया और ये पृथ्वी के अंदर घुस गया। देख सकते हैं कि छेन करके अंदर घुस गया और छोटी सी गन अभी दिख रही होगी जो कितनी ज़्यादा उसे पृथ्वी को नुकसान पहुँचा रही है। देखिए ये निकल गया साइड से और मैंने यहाँ पर दूसरी मिसाइलें स्टार्ट कर दिया है आप देख सकते हैं। और ये कितनी बुरी तरीके से पृथ्वी को स्मैश किया जा रहा है। और आप अंदर का भी नज़ारा देख सकते हैं, कुछ कुछ दिख रहा होगा अभी पूरी तरीके से ये पृथ्वी स्मैश नहीं हुई है। और देख सकते हैं कितने बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर और ये इतना बड़ा हिस्सा इन्होंने टूट गया है। तो चलिए अब देखते हैं एक ग्रह को यानी जब कोई ग्रह टकराता है टकरा जाएगा कैसे। तो देख सकते हैं कि मैंने मून को पृथ्वी के ऊपर भेज दिया है और ये देखिए किस तरीके से स्मैश हो रहा है। हालांकि वो टुकड़ा यानी जो मून है वो तो स्मैश पूरा अपने आप स्मैश हो गया, पर जो पृथ्वी को भी वो काफ़ी नुकसान पहुंचाया उसने। और बाकी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरो यहाँ पे जो पृथ्वी पर लोग हैं वो कुछ नहीं लगा, एस्ट्रोनाइट छोड़ते हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एस्ट्रोनाइट आते हैं और एक एस्ट्रोनाइट का झुंड यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक एस्ट्रोनाइट का झुंड भेजा है। और यहाँ पर ये बिजली यानी बिजली के जो ऑप्शन नीचे आ रहा था कि किस तरीके से अगर कोई आकाशीय बिजली अगर गिरती है तो किस तरीके से गिरती है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा हानि यानी हो चुकी है, स्मैश होने ही वाला है ये जो हमने दिखाया। और अगर आपको ब्लैक होल देखना है तो ब्लैक होल के तरीके से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ब्लैक होल यहाँ पर इस पृथ्वी को स्मैश कर रहा है। उसने अपनी तरफ जो जितना भी सामान था वो सब अपनी तरफ खींच लिया है और
देख सकते हैं कि ये पृथ्वी स्मैश होने के बिल्कुल अंतिम कगार पे है। मैंने यहाँ पे एक ब्लैक होल और छोड़ा है, आप देख सकते हैं, पर इससे कोई फायदा हो नहीं रहा। हालांकि इसने काफ़ी हुआ है, छोटे छोटे औजार यानी सबसे पहले आपको मैंने दिखाए थे, वही मैंने यूज़ किए हैं। आप इसे स्मैश करते हैं फटाफट और तबाह करके देखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई पृथ्वी हमारी जो है किस अगर स्मैश होती है कभी भविष्य में या फ्यूचर में तो किस तरीके से। और ये देख सकते हैं कि कितने ये जो एलियन प्लेन्स हैं तो वो आक्रमण कर रहे हैं इस तरीके से। जब कभी आक्रमण हो सकता है अपनी पृथ्वी पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आक्रमण होना स्टार्ट हो चुका है और ये पृथ्वी स्मैश मतलब घूमने वाली है। यहाँ पे ये बिल्कुल आग गोला बन चुका है, जितना भी हिस्सा बचा इसका है, और जो इसमें गन है वो आर पार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्मैश होने लगभग लगातार चला रहा हूँ और यहाँ पे ये पृथ्वी स्मैश हो चुकी है और ये नष्ट हो चुका है। तो आपको उम्मीद है कि मज़ा आया होगा आज के इस गेम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक तो फिर आपको सामने सन भी दिख रहा होगा, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।